साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग में कविता। ये युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। इसमें प्रबंध काव्य भी पर्याप्त संख्या में लिखे गए। अनेक कवियों ने ब्रज भाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। एक ओर खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, दूसरी ओर विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर संचरण करने लगी। रीति का विरोध निषेधात्मक था। सार्थक विरोध किसी रचनात्मक दिशा की ओर उन्मुख होना है। वास्तव में जो बोध रीतिवाद का विरोध कर रहा था, वही एक नया भाव भी निर्मित कर रहा था। नए भाव बोध का पहला लक्षण स्वच्छंदता की प्रवृत्ति थी, जो श्रीधर पाठक 1876 ईस्वी से 1928 ईस्वी के काव्य में प्रकट हुई। ये रीतिबद्धता एवं प्रणाली निर्दिष्टता के विरोध और उसके प्रति विद्रोह का एक स्वाभाविक परिणाम था। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, जिनमें काव्यगत स्वच्छंदता के दर्शन हुए। पाठक जी पहले ब्रजभाषा में कविता करते थे। उनका प्रकृति प्रेम ब्रजभाषा काव्य में भी प्रकट हो चुका था। खड़ी बोली उनके भाव बोध के अधिक अनुकूल थी। 1900 ईस्वी में उन्होंने गुणवंत हेमंत नाम की कविता लिखी। इसमें प्रकृति को किताबी तरह से नहीं, अपनी आंखों से देखा गया था। इसमें ज्वार, बाजरा, खरीफ, रबी, सौंफ, सोया, पालक आदि का वर्णन है। खरीफ के खेतों में जब सुनसान है, रबी के ऊपर किसान का ध्यान है। जहां तहां रहट परोहे चल रहे, बरहे जल के चारों ओर निकल रहे। जौ गेहूं के खेत सरस सरसों घनी, दिन दिन बढ़ने लगी विपुल शोभा सनी। सुघर सौंफ सुंदर कुसुम की क्यारियां, सोया पालक आदि विविध तरकारियां। अपने अपने ठौर सभी ये सोहते, सुंदर शोभा से सबका मन मोहते। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना ख्याल व लावणी की लय पर की। एकांत की तलाश भी प्रकृति में रमने की प्रवृत्ति का द्योतक है। इन्होंने गोल्डस्मिथ की पुस्तक ट्रैवलर का छंदोबद्ध अनुवाद श्रांत पथिक नाम से किया। उजड़ ग्राम नामक इनकी रचना ब्रज भाषा में है। उन्होंने छंदों को नए ढांचों में ढाला। ऐसा करने में वे लय,
एवं प्रवाह का ध्यान रखते थे। इस समय के कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाकर प्रबंध काव्य लिखे। ऐसे कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 से 1947 ईस्वी कालक्रम की दृष्टि से पहले आते हैं। इनका प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रिय प्रवास की रचना का एक उद्देश्य तो खड़ी बोली में महाकाव्य के अभाव की पूर्ति करके ये दिखाना था कि इस भाषा में भी महाकाव्य रचा जा सकता है। साथ ही साथ प्रिय प्रवास के माध्यम से हरिऔध ने कृष्ण कथा को नए मूल्यों के सांचे में ढालने का प्रयास किया। उन्होंने कृष्ण कथा की अलौकिक घटनाओं को बुद्धिसंगत एवं विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा की। हरिऔध जी उर्दू छंदों का भी इस्तेमाल अधिकार पूर्वक कर सकते थे। वे तत्सम पदावली भी लिख सकते थे और बोलचाल की मुहावरेदार जुबान में भी। चोखे चौपदे ऐसे ही चौपदों का संग्रह है। क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। पद्य प्रसून और वैदेही वनवास उनकी अन्य काव्य कृतियां हैं। इस कार्यक्रम की याद रखने योग्य बातें। ये युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। इसमें प्रबंध काव्य भी पर्याप्त संख्या में लिखे गए। अनेक कवियों ने ब्रज भाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, जिनमें काव्यगत स्वच्छंदता के दर्शन हुए। पाठक जी पहले ब्रज भाषा में कविता करते थे। उनका प्रकृति प्रेम ब्रज भाषा काव्य में भी प्रकट हो चुका था। खड़ी बोली उनके भाव बोध के अधिक अनुकूल थी। इस समय के कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाकर प्रबंध काव्य लिखे। ऐसे कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 से 1947 ईस्वी में कालक्रम की दृष्टि से पहले आते हैं। आधुनिक काल में द्विवेदी युग में कविता। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर अरुण सिन्हा और राजश्री त्रिवेदी। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।